शेखोपुर सराय थाना क्षेत्र अंतर्गत पांची गांव में दो साइबर ठग को पुलिस ने धर दबोचा है। आम लोगों को मोबाइल फोन के जरिए लोन और लॉटरी दिलाने के नाम पे ठगी करने वाला गाड़ी रुपए इत्यादि का प्रलोभन देकर बैंक कर्मी बनकर खाता एटीएम का विवरण प्राप्त कर एवं अन्य तरह से रुपयों की ठगी करने वाले गिरोह के सदस्य को गिरफ्तार कर एसपी कार्तिकेय शर्मा के नेतृत्व में विशेष छापेमारी ग्राम अस्थाना में सतीश कुमार और राहुल कुमार की गिरफ्तारी की गई है तथा छापेमारी के क्रम में उन लोगों के पास से 13 मोबाइल, एक लैपटॉप, एक प्रिंटर, कई पासबुक, एटीएम कार्ड एवं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना से संबंधित अभ्यर्थियों की सूची, नाम, पता, मोबाइल नंबर एवं विद्यालय का नाम अंकित सहित बरामद हुआ है। दोनों गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछताछ के क्रम में यह बात प्रकाश में आई है कि इन लोगों को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना संबंधित अभ्यर्थियों की सूची, फर्जी सिम कार्ड इत्यादि उपलब्ध कराया जाता था। गिरफ्तार अभियुक्तों में से सतीश कुमार के द्वारा बताया गया है कि वह अभी तक इस कार्य में 4 से 5 लाख की आमदनी कमा चुका है। स्वर्णरानी के साथ न्यूज टीम की रिपोर्ट। दिनों में इंटर की परीक्षा हुई थी और उसमें ठगी के लेकर बात आ रही थी। उसमें जो जानकारी मिली थी उस हिसाब से कार्रवाई की गई, दोनों गिरफ्तारी की गई है और जांच में अब तक ये आया है कि जो लोग परीक्षा दिए थे उनका डेटाबेस ही लोग मंगवा लेते थे। उसमें रहता था कि इनके पिता का नाम क्या है, रोल नंबर क्या है, कौन सा सब्जेक्ट है। उसके बाद ये उन लोगों से कांटेक्ट करते थे और उनको बोलते थे कि आपको मार्कशीट में ये मिला है, जाँच हो गई है, मार्क्स में आया है। उसके लिए ये लोग क्या करते थे कि फोटोशॉप के थ्रू आपका मार्कशीट बनाते थे, इस प्रिंटर के थ्रू प्रिंटआउट निकालते थे और इनको व्हाट्सएप पर भेजते थे और फिर बोलते थे कि अगर आप पैसा देंगे तो मार्क्स को बदल दिया जाएगा। और उसी के क्रम में ये लोग पैसा मंगवाते थे, किसी से 4,000, किसी से 5,000 और उसके बाद मार्क्स बढ़ाते थे और फिर मार्क्स बढ़ाने के बाद नया मार्कशीट उनको व्हाट्सएप पर दिया जाता था। इस तरह से करीब इन लोगों के द्वारा करीब 8-10 लाख रुपए का ठगी की गई थी और इसी में गिरफ्तारी की गई है। इसमें दो लोग गिरफ्तारी हुई है, साथ में आप देख सकते हैं एटीएम और कई फोन बरामद हुए हैं। सर कितने लोगों के साथ अब तक धोखाधड़ी? इसमें तो हम लोग अभी निकलवा ही रहे हैं, करीब 8-10 लाख का मामला है और इसमें करीब करीब 300-400 लोगों के आसपास लोगों से कॉन्टेक्ट किया। कहाँ से गिरफ्तार किए गए सर? ये गाँव प्राची गाँव से किया गया। ये दो लोगों की गिरफ्तारी के अलावा कोई और भी क्या इसमें संलग्न है? इसमें जो इनको डेटाबेस मिल रहा था वो खास इनके जनक हैं और उसमें बताया जा रहा है तिरंजू करके व्यक्ति हैं जो इनको सप्लाई करते हैं डेटाबेस। बताया जा रहा है कि तिरंजू के द्वारा कई लोगों डेटाबेस अलग तरह के दिए जाते हैं। कुछ दिन पहले आप लोग देखे होंगे कि जो स्नैपडील और ये सब का जो डेटाबेस होता था उसके नाम से लोग करते थे या फिर कई बार ऑनलाइन शॉपिंग के नाम से, तो बताया जा रहा है कि डेटाबेस इन्हीं के द्वारा दिया जाता था। इनके फोन से जो जानकारी मिली उस फोन से भी देखा गया तो डेटाबेस में जो परीक्षा दिए हैं उनकी जानकारियां दी हुई थी। सर जिला करते हैं जिला काम ये इस जिला से करते थे पर डेटाबेस चूंकि बिहार का इंटरमीडिएट का था तो अलग अलग विभिन्न जिलों में था। सतीश कुमार, राहुल कुमार और भी गैंग में कोई और लोग? इसमें एक बताया तिरंजू का नाम आया है और ये लोग क्या करते थे कि एक मास्टरमाइंड होता है वो डेटाबेस लगाता था, उसके एवज में ये शायद 100 लोगों का 4,000 रुपए देते थे 100 लोगों के डेटाबेस के लिए। उसके बाद ये लोग सभी को फोन करते थे और जो पैसा आया और उस हिसाब से ये लोग का कमीशन बना हुआ था। इसमें पैसे की निकासी बिहार शरीफ के एटीएम से की गई है और कुछ अकाउंट में भेजा गया है जिसका जानकारी निकाला। कितने 10-12 एटीएम और कितने पासबुक बरामद किए गए? पासबुक तो 3-4 ही हैं पर एक अलग अलग अकाउंट में चल रहा था कुछ को भी बिल्कुल ये चूंकि पूरे बिहार राज्य में सब कर रहे थे तो अलग अलग जिलों से संपर्क किया जाएगा उनसे बात। क्या था जिनका भी नाम आया है कैंडिडेट का परीक्षार्थी का उस सत्य है उनका? जो भी परीक्षार्थी इनसे कॉन्टेक्ट किया गया था जिन लोग पैसा ट्रांसफर किए थे उनसे धोखाधड़ी की गई है और सत्यापन कराया गया, उनसे कोशिश की जा रही है कि अगर वो कांड दर्ज कराए हैं इसका तो उसमें इनको जानकारी देकर। हमारे YouTube चैनल News Prime 24 को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को जरूर दबाएं।